नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चेतन पेंढारकर और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कॉम्पिटल में। आज हम जानेंगे इंटरनेट के संग्रह के बारे में। आप लोग जानते होंगे, हमारे देश में एक पुरातत्व संग्रहालय का एक विभाग है जो कि पुरातत्व महत्व की जितनी भी चीज़ें होती है उनका संग्रह करके रखता है। उसी प्रकार इंटरनेट के पुरातत्व संग्रह के लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जिसका नाम है archive.org। यह वेबसाइट इंटरनेट पर अभी तक जितनी भी वेबसाइट्स आई हैं उनके, मतलब सभी का नहीं कह सकते, लेकिन मैक्सिमम वेबसाइट्स की हिस्ट्री के बारे में हमें जानकारी देता है कि कौन सी वेबसाइट किस समय कैसी दिखती थी, उसके ऊपर क्या-क्या डेटा अवेलेबल था। उसके अलावा हमें मूवीज, पिक्चर्स तथा अन्य किताबों के बारे में और सॉफ्टवेयर्स की भी हिस्ट्री यह वेबसाइट रखती है। तो आइए हम सबसे पहले वेब से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि facebook.com हिस्ट्री में कैसा नजर आता था। तो मैं यहाँ पे सर्च टैब में मैंने टाइप किया facebook.com और एंटर किया। तो यहाँ आप देखेंगे कि एक टाइमलाइन मुझे नजर आ रही है। तो इस टाइमलाइन पर मैं किसी भी एक वर्ष पर क्लिक करता हूँ। मैं सबसे पहले 2009 पर क्लिक करता हूँ। 2009 के किसी भी एक दिन पर मैं क्लिक करता हूँ, 8 अप्रैल 2009 को हमारा facebook.com कुछ इस तरह नजर आता था। मैं थोड़ा और आगे आता हूँ, 2012, 15 जून 2012 को फेसबुक कुछ इस तरह से नजर आता था। इस प्रकार हम वेबसाइट के किसी भी तारीख की हिस्ट्री के बारे में यहाँ से जान सकते हैं। मैं कोई दूसरी वेबसाइट सेलेक्ट करता हूँ, जैसे कि www.youtube.com। मैं क्लिक करता हूँ 2012 के किसी एक डेट पर। ये देखिए दोस्तों, 30 जून 2012 को हमारा YouTube कुछ इस प्रकार से दिखता था। सॉफ्टवेयर्स के बारे में भी देखते हैं कि कौन से सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं इस पे। मैंने फिर से archive.org वेबसाइट खोल ली है। यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर के लिए एक आइकन में मैं इस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ आप देखेंगे एमएस डॉस गेम्स, एमएस डॉस, तो मैं गेम्स की तरफ चलता हूँ, एमएस डॉस गेम्स। इस पर देखते हैं हम कि कौन कौन से एमएस डॉस गेम्स यहाँ पर उपलब्ध हैं। दोस्तों ये देखिए, इसमें से कई गेम्स के नाम तो शायद आपने सुने भी होंगे, पैकमैन, प्रिंस ऑफ पर्शिया, अलादीन। तो दोस्तों यही था archive.org। आप भी जाइए इस वेबसाइट पर और सर्च कीजिए इंटरनेट की हिस्ट्री के बारे में। धन्यवाद।